राम राम दो। राम राम भाई। गजब हरियाणा को पहले जो हम राम राम करते हैं, जो हमारे किसानों की आवाज को बुलंद करते हैं और देश विदेशों तक भी हमारी आवाज को उठाकर वहां पर भेजते हैं। तो आज क्या फैसला लिया था वो? आज तो फैसला ये है कि एक तो भाजपा वाले हमारे जो भी गांव में या देहात में या सड़क पे कहीं भी दिखाई देगा तो उसका बहिष्कार करते रहेंगे और काले झंडे दिखाकर उसको भगाने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला का भाई नहीं, हमने भी नहीं मेरा पटिया, खट्टर भी नहीं मेरा पटिया, अरे मोदी का भी मेरा, अरे अमित शाह का भी नहीं मेरा, वो पता ही नहीं करा तो राजनाथ है, करा जितने भाजपा के कैंडिडेट है, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे सीएम है, चाहे एमएलए है, चाहे एमपी है, चाहे वर्कर है, वो भी हमने दिखाई नहीं दे रही। अब छुपे फिर रहे हैं, छुपे जो किसान ढूंढ रहे हैं उनको, वो मोदी का आसन अगर मैं अगर मेरा काम पसंद ना आवे तो मेरे को चुराए में खड़ा करके और जूते मारे लठ मारे, और आज किसान उनको ढूंढ रहा है, किसान कह रहा है कि भाई मोदी कहाँ हो, आपका कार्य हमारे को पसंद नहीं, तो आप कहाँ हो, हमने वो जूते और लठ चुराए में खड़ा करके वो मारने हैं आपको, खट्टर को भी दुष्यंत चौटाला को भी, हमें चेताना जाते हैं भाई अगर हमारे को अगर कहीं भी ये दिखाई दे जाए तो उसका खड़ा विरोध करेंगे, प्रदर्शन जो भी है काले झंडे से करेंगे, अगर हाँ हमारी बातें किसान के बीच में आके वो समर्थन खुद समर्थन देके अगर हमारे बीच में आता है, दुष्यंत हो चाहे खट्टर हो चाहे वीरेंद्र का लड़का हो, चाहे ये वीरेंद्र कह रहा है मैं किसानों के हित का काम करता हूँ, अब लड़का वहीं पर है और घरवाली दूसरी जगह है, तो ऐसे में काम नहीं चलता। हम तो ये कहें वीरेंद्र को भी भाई ठीक है तुमने समर्थन दिया है तो लड़कों को भी समर्थन दूंगा, वो तो दोनों हाथ में लाडू ले रहे हैं, एक हाथ में सद में और खुद किसान साथ आ रहे हैं, अब घरवाली को नीचे और उसको ऊपर दोनों, इनके तो दोनों हाथ में राज है, एकला की एकला खबर है, एकला होंगे तो यू क्यों और इस्तीफा देंगे राज्य मंत्री से, अमित शाह पहली मीटिंग में क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि उस उनकी जो नीचे वाली जो कमेटी बना रखी है उनने जानबूझ के बना रखी है भाई हमारे को ऊपर हमारे कोई आंच नहीं आवे, कभी कोई किसान हमने कुछ नहीं दे, इसलिए मोदी और अमित शाह और सीएम खट्टर और दुष्यंत लुके लुके घूम रहे हैं, पता नहीं है मुस्या में जा रहे हैं या विदेशों में जा रहे हैं, पता नहीं को वो कह रहा दुष्यंत कह रहा मैं तो बाहर जाऊँ विदेशों में जाऊँ, मैं विदेशों में जाऊँगा भाई, तो मेरा बीज जाऊँगा, मैं बीज जाऊँगा मेरा मेरा नहीं बीज कौन सा है उसका नहीं मेरा कौन सा बीज है उसके वो घरवाली भी उसकी बहरे जा रही है और बीजे में खतर गया अभी दोनों जा रहे हैं बीज लेने गया, अरे भाई हम तो खतर जैसे तो खुला चैलेंज करते हैं भाई, अगर हमारा बरसोड़ा में तो आ गया हमारा बरसोड़ा में आ गया नहीं, हम तो सीधा काले झंडे में खुद खड़े हो गए रेल की फतह में खड़े होगा भाई, पहले सबसे पहले है काले झंडे दिखाई दूंगा भाई, और भाई बात सुन लो रही बात इतना ही हो हमारा धरना प्रदर्शन रहता रहेगा, इतने तीनों काले कानून वापिस नहीं लेते और कृषि के जो भी हमारे ऊपर है जितने भी हैं कानून जो भी लगा रहे हैं ये वापिस नहीं जाए। जैसे दुष्यंत चौटाला जब सांसद बने थे तो ट्रैक्टर ले गए थे संसद में, तो अब कहाँ है दुष्यंत चौटाला, पूरा किसान दिल्ली जा रहा ट्रैक्टर लेके, अब तो चोर है चोरी करके छिपा हुआ है बिल में, ठीक है अब वो फंस गया है ना तो किसानों के साथ आ सकता क्योंकि घोटालेबाज है, धोखेबाज आदमी को तो छिपना पड़ता है, तो अब किसानों के बीच आ भी नहीं सकते हैं, अब नहीं आ सकता वो तो ऐसे का जिस तरह बेडो से सिंह चले गए थे वो बात है, बिल्कुल चले गए किसानों के बीच में, बिल्कुल नहीं आ सकते तो चले गए थे, उसने तो कुर्सी से मोहब्बत हो गई। और आज क्या जो आज मीटिंग हुई उसमें क्या फैसला लिया है? आज ये फैसला लिया है हम जिस तरह राजनीतिक आदमी को हमारे इस पर स्टेज पर नहीं आने देंगे, ना हम इनके वोट दें दे, हम हमारा किसान ही नेता खड़ा करेंगे, हम इन पे वोट लेवांगे, हम इनको वोट दिया दे हम लेके नहीं, इनको वोट नहीं देंगे हम वोट लेंगे इनसे, ठीक है धन्यवाद। लिया गया जिनकी खापों में।
आज सभी खाप व किसान आए हुए थे, सभी ने पहला फैसला ये लिया है जो रामदेव है या अंडानी अबानी है उसका सामान का बहिष्कार करें, जो भी उसका प्रोडक्ट है, हाँ जो भी प्रोडक्ट है। और दूसरा जो एमपी है एमएलए है जो भी, इन्होंने मीटिंग की है कि जिला जींद या ब्लॉक उसमें रैली करेंगे और किसानों समझाने की कोशिश करेंगे, हर किसान उनका विरोध करेगा, ठीक है। और तीसरा कराया कि कोई भी एमएलए हो या मंत्री हो गांव में घुसे उसका विरोध करना जरूरी है, ये तीनों करेंगे। नवीन गांव करसिंधु जिला जींद, ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन का आज 37वां दिन है और किसान इतनी ठंड में भी अभी तक किसान ऐसे ही दिल्ली रोड पर बैठे हैं और हर जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार है जो अभी तक कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा। दोस्तों बने रहिए हरियाणा के साथ, जो भी किसानों जुड़ी खबर होगी हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।